नेहरा साहब नहीं नहीं मान रहे हैं, सरपंचों ने साफ कर दिया, आपने सुन लिया रणवीर जी को कि हम सहमत नहीं है और इस तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। अब क्या है सरकार का रुख? अनु जी आपको आवाज आ रही नहीं जी? अनु जी देखिए ये पूरी तरह से कंफ्यूज है हमारे मित्र जो यहाँ पे बैठे हैं सरपंच प्रतिनिधि। जब आपने बार बार उनसे पूछा कि कौन सा अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो एक भी अधिकार नहीं बता पाए, और जब वो कह रहे हैं कि जब सरकार के ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदार काम करेगा तो सरपंच कहां से समय निकालेगा? अगर सरपंच अपने ठेकेदार से काम कराएगा तब तो सरपंच टाइम निकालेगा, लेकिन ई टेंडरिंग वाले ठेकेदार से काम कराएगा तो सरपंच के पास टाइम नहीं है। ये बड़ी बात बिल्कुल समझ से परे है और कोई तर्क के साथ जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं और बड़े कंफ्यूज हैं। और उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है, और मैं दावे के साथ यहाँ बैठ के मनु जी कह सकता हूँ आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए अपने टर्म पे बोल रहे हैं। पब्लिक को गुमराह कर रही है और ये पंचायती राज एक्ट को बिल्कुल खत्म करना चाहती है धीरे धीरे। ये पहले डेढ़ साल सरकार के पास था जब ग्राम पंचायतें नहीं थी, कौन सा विकास कराया था ग्राम पंचायत गांव के अंदर सरकार ने? मैं इनके बीच में नहीं बोला था, आप अपने नंबर पे बोलना, लिख लीजिए, एक घंटे की डिबेट है, बहुत टाइम है आपके पास। देखिए मनोज जी आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश भर के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां पंचायतों को और सरपंचों को इतना अधिकार और इतना मानदेय देने का काम होगा। ये हरियाणा प्रदेश देश भर में नंबर वन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है। नहीं तो नेहरा जी, वो घोषणाएं तो हमने भी अपने दर्शकों को बता दी, हमने बाइट भी सुनवा दी, लेकिन नहीं आप, मैं इस पर रिएक्शन चाहती हूँ आपका। नहीं मान रहे, ठीक है, आपने जो कर दिया, आपने मानदेय भी बढ़ा दिया है, आपने लिमिट भी बढ़ा दी है, आपने ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का भी अधिकार दे दिया है, नहीं मान रहे अब भी, अब क्या, कैसे समझाएंगे आप इनको? मैडम देखिए कि ये इनके हित में है। आपने मैडम 10 मिनट का समय दे दिया प्रतिनिधि को, आप सरकार को समय दीजिए, जो मुझे बोलना है वो मुझे तय करना है। आपने सवाल कर लिया, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज घोषणा की है आपके माध्यम से, हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता को यह बताना चाहूंगा कि ई टेंडरिंग की जो सीमा है उसको 2 लाख रुपए से बढ़ा करके अब 5 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है, यानी कि साल भर में 5-5 लाख के हिसाब से 5 बार 25 लाख रुपए के काम सरपंच बिना ई टेंडरिंग के माध्यम से अपनी मर्जी से करा सकते हैं। पारदर्शिता लाने के लिए जिला परिषद स्तर पर सीओ लगाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अब जिला परिषदों का हर जिले के अंदर अपना सचिवालय बनेगा जहां बैठ के वो काम करेंगे। अब तक बड़ी दिक्कत रहती थी जिला परिषद के चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को और जिला परिषद के सदस्यों को बैठने के लिए, और नई पंचायतों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 करोड़ रुपए दिए थे वो पहले ही गाँवों के विकास के लिए जा चुके हैं। और हर जिले जिला परिषद में इसके साथ साथ क्वालिटी तय करने के लिए मैडम इंजीनियरिंग विंग की स्थापना अलग से होगी। और कांग्रेस पार्टी के समय में जब प्रधानमंत्री कहते थे कि ऊपर से 1 रुपए भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, नेहरा जी आज हम दावे के साथ कहते हैं मैडम नेहरा जी तो विकास के पे पहुंचता है अपनी बात को। नेहरा जी मैं आप बताइए, सब बातें ठीक है, ये मैं भी बार बार दोहरा रही हूँ, लेकिन आप बताइए ना कि कैसे समझाएंगे? नहीं मान रहे हैं, नहीं है सहमत। आपकी बात पे आ रहा हूँ। आज पूरे देश भर के अंदर पहली बार सरपंचों को अधिकार दिया गया है कि ग्राम सचिव की एसीआर पे टिप्पणी करेंगे सरपंच। आप बताइए सरपंचों का मानदेय 3000 से बढ़ा करके 5000 कर दिया, पंच का मानदेय 1000 रुपए से बढ़ा करके 1600 रुपए कर दिया। मांग थी 30000 की, मांग थी 30000 की। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए मैडम। हाँ। और इसके साथ साथ आप देखिए डीए के आधार पर हर 6 महीने के अंदर पंच का और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। ई टेंडरिंग में काम की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। आ रही हूँ बजरंग जी आपके पास। हिसाब से मैडम जो काम करेगा उसकी जिम्मेदारी सरपंच को होगी, जैसे मेरे साथी अभी कह रहे थे। नेहरा जी आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, आप कैसे समझाएंगे? वो नहीं मान रहे हैं, वो नहीं है इस बात से सहमत। मैडम माननीय मुख्यमंत्री दो तीन घोषणा और है। एक तो बिजली का जो इनकी मांग थी वो तो हमने मानी है, बिजली पर 2% पंचायतों को एरियर के साथ और स्टाम्प ड्यूटी का भी 2% पंचायतों को मिलेगा। आप सोच के देखिए कितना रेवेन्यू पंचायतों के पास में आएगा, पूरे गांव का मिलेगा। ठीक है नेहरा जी, ठीक है।